कितना बड़ा है? कल 3 साल का हो जाएगा। कॉन्ग्रेट्स, बर्थडे केक मेरी ओर से। मुझे आज भी याद है मेरी फर्स्ट स्ट्राइक। फिकर मत करो दोस्त, तुम्हें आदत हो जाएगी। HQ अंदर जा रहे हैं। आपका सिग्नल आ रहा है। याद रहे, कोई बॉडी बैग्स नहीं। कॉपी दैट। देखो क्या हो रहा है, वीडियो ठीक से दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है बेसमेंट में सिग्नल नहीं आ रहा है सर। तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। हम सुन पा रहे हैं। चलते रहो, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। 10-4 टीम लीड पर बनी रहे। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। स्पीड बढ़ाओ। दाएं मुड़ो, वही कॉरिडोर में गाइडलाइंस पर रहे, फॉर्मेशन में ही रहिए। हॉल केस से आगे बढ़कर स्टेयर केस पर ही रुकिए। मुझे स्टेयर केस दिखाई नहीं दे रहा। स्टेयर केस ब्लूप्रिंट पे बने हुए हैं, क्या आपको यकीन है? मुझे स्टेयर केस नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब हम मंजिल के करीब हैं। नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है, हमें रोकना चाहिए। नामुमकिन। सर, मैं आगे बढ़ूं? मैं फिर से पूछता हूं, क्या आगे बढ़ने के लिए आपकी इजाजत है? इजाजत है, आगे बढ़ने की इजाजत है। टीम लीड पर बनी रहे। वो यहां पर है। पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। तुमने कहा था कि मैं यहां पर ठीक रहूंगा। नहीं, उसके लिए वक्त नहीं है। अब मुझे जो करना है वही करूंगा। मेरे बीवी और बच्चे, उन्हें उनके पैसे मिल जाने चाहिए। कहना मैं उनसे प्यार करता था, कहना ये काम मैंने उनके लिए किया था। थर्मल व्यू, यहां एक इंसान है। ठीक है, याद रहे, मुझे वो जिंदा चाहिए। कॉपी। FBI, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। टारगेट बात नहीं मान रहा, उड़ाने की इजाजत है सर। दरवाजा उड़ा दो। लॉइट, उड़ा दो। उड़ाओ, उड़ाओ, उड़ाओ। चलो
अंदर। चलो 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 अंदर, बंदूक नीचे रखो। रुक जाओ। ये आवाज कैसी थी? स्टीव, जवाब दो। सवाल नंबर 5, श्वेन मेंडेस कहां पैदा हुआ था? टोरंटो। ओ, 5 में से 5। उस बच्चे के बारे में जो भी पता होना चाहिए सब तुम्हें पता है। मुझे नहीं पता उसकी खुशबू कैसी है। पता होगा भी नहीं। मेरे दोस्त जैसी, और मुझे लगता है शायद उसकी खुशबू हॉकी के जंगलों जैसी होगी। हाँ, वो वैसा दिखता है तो खुशबू वैसी होगी। मुझे अच्छा लगता है। क्या मेरे सवाल? नहीं, आपके साथ वीकेंड बिताना। काश ये पूरा हफ्ता चलता। हाँ, सही कहा। मेरे सो जाने से पहले आप कहानी सुनाते थे, उसकी बहुत याद आती है। रात भर रुकना, मेरे लिए नाश्ता बनाना। मुझे मम्मी पसंद है, मगर मुझे आपके साथ रहना है। एक सेकंड लगा के तुम बड़ी हो गई हो। मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ। ओ, तुम 7.5 साल की हो। मैं 8 साल की हूँ, 8 में आधा कम। और मेरा बॉयफ्रेंड भी है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कौन? आपको जानने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ये मेरी मर्जी नहीं थी कि तुम अपनी मां के पास रहो। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। ये जज का फैसला था। तो फिर मिस्टर जज ने मेरी राय क्यों नहीं पूछी? खैर, तुम जानती हो, हालात को देखते हुए मेरी नौकरी छूट गई थी। ये एक समझदारी का फैसला था, और जज ने तुम्हारी माँ के हक में फैसला दिया। क्यों? वो जज के लिए जरूरी था कि मेरे पास नौकरी हो, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। मैंने किराने की दुकान पे एक बोर्ड देखा था, वहाँ पे लिखा था नौकरी है। या ओके, ठीक है, तो जाकर देखते हैं, और जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हारी फुल कस्टडी ले लूंगा। क्या आप वादा करते हैं? हाँ, वो देखते हैं। अब जरा मुस्कुरा दो। ओ, हमारा वक्त बहुत जल्दी कट जाता है ना? मूवी कब स्टार्ट हो रही है? 1/2 घंटे में। मैं ये लेता हूँ, तुम पॉपकॉर्न खा लेना। यहाँ सब कुछ ठीक है कॉपीदार? क्या वहां सब ठीक है? सब कुछ चेक करो, कुछ भी मत छोड़ो। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था सुसाइड करते हुए? नहीं, फिर भी इससे तकलीफ कम नहीं होती। हे स्टीव, जरा ये देखो, ऐसा लगता है कि ये कोई प्रिंटर टेस्ट का नहीं है, सेफ में पड़ा मिला। सब आसान के समय क्यों नहीं मिलते? आपको क्या लगता है? मैं नहीं जानता,
कुछ अजीब है। कैसा अजीब? इसमें कुछ चाइनीज, लैटिन, अरबिक, नंबर्स, सर्कल्स, हिएरोग्लिफिक्स, कुछ अजीब आकार और अजीब पैटर्न्स है। कोड? हाँ, मैं आपको ये ईमेल से भेज सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम सुरक्षा नियमों को नहीं तोड़ेंगे। ये शायद केस सुलझाने की हमारी आखिरी कड़ी है। हमने अपने शिकार से पूछताछ का मौका गवा दिया है। बैग में रखो, संभाल के, मैं फॉरेंसिक टीम को वहाँ जांच के लिए भेज रहा हूँ। कॉपी दैट। अब यहाँ पर हालात ठीक हैं? सर, हमारे पास ऐसा कोई काबिल इंसान नहीं जो इसे सुलझा सके। जो इस कोर्ट को सुलझा सकता था वो अब मर चुका है। फिर भी कोई है, कोई ऐसा है जिसे हम बाहर ला सकते हैं। मैंने कुछ दिन मिलिट्री में तहखाने के विश्लेषक के तौर पर काम किया है सर। क्या कारण था? परिवार, सबसे बढ़िया तहखाना विश्लेषक है सर। तुम्हें विश्वास है? जितना आप पर है। ठीक है, उसकी फुल रिपोर्ट मुझे टेबल पे चाहिए और अगले 2 घंटों में उसकी आंखें उस कागज पर। ठीक है मेरी बेटी, तो तुम अपने डैडी के साथ देखोगी, मेरी छोटी प्रिंसेस। हेलो कर्ट, तुम्हारे नंबर को क्या हुआ? मुझे याद रखना बहुत आसान है। और क्या चल रहा है? मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्या हम कल कर सकते हैं? मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, जरा मुझे वक्त दो। कोई बात नहीं डैडी, मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे अफसोस है बेटी, मगर एक अच्छी खबर भी है। ठीक है, मुझे एक फुल टाइम जॉब मिल रहा है और अगर ऐसा हुआ तो जज को खुशी होगी। और फिर मैं आपके साथ रहूंगी? देखो, अगर मैं काम करता हूँ, पूरे दिन बिजी रहता हूँ, तो हो सकता है कि जज से मैं सबसे पहली चीज जो मांगू वो तुम होगी मेरी बेटी, है ना? तो क्या ये मूवी हम कल देखें? मगर डैडी, आप जानते हैं कल मेरा स्कूल है। ओके, तो कल तुम क्या पढ़ रही हो? मैथ्स। खैर सुनो, अगर 2 घंटे स्कूल नहीं गई तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड एक अच्छे मैथमेटिशियन है, वो सारी काबिलियत तुम्हारे अंदर आ सकती है, चिंता मत करो। तुम अपने स्कूल में क्या कहोगी? तुम ये बोलना कि कोर्ट की तारीख थी, है ना? है? और तुम अपनी माँ से क्या कहोगी? मैं स्कूल में पढ़ रही थी। Love you. I'm so sorry. विल स्कॉट की फाइल सर, जैसा आपने कहा था, कर्ट ने उनके साथ कांटेक्ट कर लिया है, वो आ रहा है। वहां और ज्यादा बैकअप चाहिए, जल्द से जल्द एक टीम भेजें, और ज्यादा बैकअप। आई रिपीट, एजेंट विक्टर वर्कलर, विल स्टॉक, हम आपका इंतजार कर रहे थे। Okay. मेरे साथ आइए। इसमें जो निशानियां और आकार बने हुए मैंने पहले कभी नहीं देखे। इसे सुलझाने में कितना वक्त लगेगा? मुझे लगता है कि ऑपरेशन 1-2 घंटे का काम नहीं है, शायद 1 दिन भी लगे। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ ताकि मैं इस पे काम कर सकूं? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। सर, मेरे साथ यहाँ क्रिप्टोलॉजिस्ट विल स्कॉट है। सर, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा वक्त लग सकता है, आप इसके लिए क्या आदेश देना चाहेंगे? ठीक है सर। सर, आप स्पीकर फोन पे हैं। मिस्टर स्कॉट, मैं रॉबर्ट मार्टिन बोल रहा हूँ।
सबसे पहले इतने कम समय में हमारे काम के लिए आने के लिए शुक्रिया। आपकी एनएसए में समस्या होने के बावजूद मैंने आपकी फाइल देखी और आपकी काबिलियत देखकर लगता है कि आप इस काम के लिए सही हैं और कोर्ट ने आपकी काफी तारीफ भी की है, तो आपका हमारी टीम से जुड़ना खुशी की बात है। मुझे भी खुशी है सर। हमने पहले ही बताया कि कागज बहुत ही सेंसिटिव है और मैं इसे बिल्डिंग से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता जब तक कि फॉरेंसिक टीम पूरी जगह की छानबीन न कर ले। तब तक आप इसे नहीं ले जा सकते। हम आपके लिए ऑफिस में जगह बना रहे हैं, कल सुबह से आप काम शुरू कर सकते हैं, समझ गए? यस सर। ठीक है दोस्तों, ये कोड जो भी हो ये बहुत ही खास है, तो हमें सबसे पहले दो काम करने होंगे। पहला, इसे अपने हाथों में रखें और दूसरा, इस आदमी को जो भी चाहिए दिया जाए ताकि इस कोड को सुलझा सके, समझ गए? सर, अगर आप चाहें तो मैं इस कागज के हेर फेर पर नजर रख सकता हूँ। जरूरत नहीं, टीवी से देख लेगा। तुम बस इन सब पे नजर बनाए रखो। ताजा खबरों के मुताबिक इस वक्त एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। हम अभी भी बाकी 5 घायलों की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये पता चला है कि वो टेस्ट हाउस में हो रहे थे? सर इधर आइए। क्या सब ठीक है? मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है? दीवार के अंदर कुछ तो है। हथौड़ा। स्वीट हार्ट, डैड बोल रहा हूँ। सुनो, हमारा कल का जो छोटा सीक्रेट था वो अब सीक्रेट नहीं रह पाएगा। मुझे यकीन है मैसेज तुमसे पहले तुम्हारी माँ को मिलेगा। सुनो, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे सच में अफसोस है, अचानक को जरूरी काम आ गया है, मगर हम बाद में कभी जाएंगे। ओके, आई एम सॉरी, आई लव यू। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके स्वीट हार्ट, बाय। हे स्वीट हार्ट, डैड बोल रहा हूं। सुनो, हमारा कल का छोटा सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहेगा। क्या डैडी का कॉल आया था? रॉन्ग नंबर। अफसरों ने 8 एसबीआई एजेंट की मौत की पुष्टि की है एक खतरनाक गोदाम के धमाके में जो पूर्व लॉस एंजलिस में हुआ है, मगर एफबीआई एजेंट उस जगह में क्या कर रहे थे और धमाका किस वजह से हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। छानबीन को गुप्त रखने के लिए और अपने परिवार की पहचान गुप्त रखने हेतु मृतकों की जानकारी इस वक्त जाहिर नहीं की जा रही है। धमाका किस वजह से हुआ है ये अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, इसलिए एफबीआई ने इसकी सही वजह जानने की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या इस धमाके की योजना पहले से ही की गई थी? Thank you.
एटीएफ की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने पाया कि वहां पर एक्सप्लोजिव छुपाए गए थे। क्या मतलब है कि छुपाए गए? हमने सब जांच लिया था। ऐसा लगता है उन्होंने एक छुपा कमरा बनाया था सीफो और कहीं दूर से धमाका किया था। शायद और एक कमरा था। उन्हें पता था हम वहां थे। जानता हूं। और हर कोई इस नई मुसीबत का जिम्मेदार है। उन्होंने बहुत पहले इसकी योजना बनाई थी। कुछ खास है आंद्रे? लाओ का मैसेज है। वो और एजेंट कार्टर अभी स्टीव विल्कर के घर पहुंचे। वो तो 8 परिवारों को जवाब भी देना है। आप खुद को दोष नहीं दे सकते सर। नहीं कार्ट, हमें खुद को भी दोष देना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त कोई ऐसा नहीं जिसे दोष दे सके, जब तक हम उन कमीनों को ना पकड़ लें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोषी हम में से ही कोई है। यहीं इसी कमरे में ये हमारा दोष है। इस 7 महत्या करने वाले की और क्या जानकारी मिली है? कोई आईडी नहीं मिला। वो लोग इस वक्त डीएनए सैंपल्स तैयार कर रहे हैं। जैसे ही टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे हमें जवाब मिल जाएगा। खैर, अब इसकी शिनाख्त ही हमारे केस की इकलौती कड़ी है जो हमारे पास है। जल्दी करो, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। चलिए मॉम, मैं रेडी हूँ। अभी तक मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं 2 घंटे तक मेकअप लगाऊं। शुक्र है, मगर वो वक्त दूर नहीं। ठीक है, तुम बहुत स्मार्ट हो। चलो चलते हैं। कॉर्ट, ऊवॉल्स कॉर्ट का मेरे डेस्क पे कॉल आया था, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ अर्जेंट काम था। ठीक है, शुक्रिया। विल, तुम ठीक हो? क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। मैंने अभी न्यूज में धमाके खबर सुनी। कर्ट, मुझे तुम्हारे आदमियों के लिए अफसोस है। हाँ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें पता है 1 घंटे पहले मैं वहीं हो सकता था। क्या तुम जानते हो उसके पीछे किसका हाथ है? अभी तक तो नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं। हे सुनो, वो डॉक्यूमेंट उस धमाके में बाकी सब चीजों के साथ नष्ट हो चुका है, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, समझ गया। मेरे लिए काम करोगे तुम? विल, ये सही समय नहीं है। सुनो, इसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, कहो। ओके, तुम जानते हो कि मैं सिस्टम चला नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस नाम की जांच करो, जिमी गॉर्डन। क्या वो दोषी है? तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर क्या तुम मेरी खातिर इस नाम को सर्च करोगे? तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? अच्छा, तुम रहने दो, मैं ये काम किसी और से करवा लेता हूँ। चलो बस भी करो। ठीक है, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। क्या क्या नाम बताया था तुमने? ओके, जिमी गॉर्डन। जिमी गॉर्डन, ठीक है। थैंक्स कर्ट, सच में मुझे तुम्हारे आदमियों के लिए अफसोस है। मुझे भी।
Hey, क्या मिला तुम्हें? वो आदमी जिमी गॉर्डन एक इज्जतदार बैंकर था। देखने में गोरा था, 50 साल का था, एरिज़ोना से आया था, कोई भी अपराध नहीं किया था और 1956 में पैदा हुआ था और 2 महीने पहले कार्डियक अरेस्ट में मर गया। मर गया? हाँ, यही तो लिखा है, हार्ट अटैक से मर गया। ओके, क्या उसके मरने की तारीख लिखी है? अगस्त 16, 2020। अब मुझे बताओ ये आदमी कौन है। विल, मदद के लिए शुक्रिया, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कैसे हो? सब लोग अभी थोड़ा डरे हुए हैं सर। सर, आपको गोदाम की जानकारी किसने दी थी? तुम जानते हो मैं नहीं बता सकता, मुझे मेरी खबरी की सुरक्षा करनी है। सर, मगर आपको माफ कीजिएगा, आपकी खबरी ने हमारी सुरक्षा नहीं देखी। हमने 8 एजेंट गवा दिए, हमारा परिवार। वो मेरे भी परिवार थे। मगर बस सर, मैं करो, बस चुप हो जाओ। सर, एक बात और बोलनी थी, क्या आपको यकीन है कि आपका खबरी सिर्फ एक टीम के लिए काम कर रहा है? जरा सोच के देखना। एना, सब कुछ ठीक है? मैं ठीक हूं। वैसे तुम ठीक नहीं लग रही, क्या बात है बच्ची? मैं अब बच्ची नहीं हूं। हाँ, पता है तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो, मगर तुम हमेशा मेरे लिए छोटी बच्ची ही रहोगी ना, और मैं तुम्हारी मम्मा। ठीक है, क्या सोच रही हो तुम? मॉम। हाँ, क्या डैडी का कॉल आया था? मुझे नहीं लगता बेबी। तो हमें हमारे माइक्रोवेव सुसाइड शूटर का असली आईडी मिल गया। एलेक्स मेज, 42 साल का, अल्बेनिया में रहने वाला, यूएसए में 98 में आया। पहले कभी कोई गुनाह सामने नहीं आया,
ये आदमी ने बॉस्टन कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में बीएस किया, उसके बाद एमआईटी जाकर मास्टर्स किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2005 में। फिर वो सेंटा मोनिका में रशिया में पैदा हुई लड़की से मिला, मार्टा ओलो। 2006 के स्प्रिंग सीजन में उनकी शादी हुई, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है, वो हाउसवाइफ है, हम इतना ही जानते हैं। तो फिर उसे सवाल पूछने के लिए बुला लेते हैं, हमें जानना होगा कि एलेक्स इस काम में कैसे आ गया, वो किसके लिए काम करता था, उसके पुराने साथी, पड़ोसी, टीचर्स, देखे क्या जानकारी मिल सकती है। पीटरसन, नॉर्विले, तुम लोग बोस्टन चले जाओ, बाकी सब लोग एलए का एरिया छान मारो। जब उन्होंने कहा कि छान मारो, तो तुम्हें पहले म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना चाहिए, मुझे सब बताते रहना। यस सर। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सोना चाहिए। ओ, किसी औरत से इसे कहना अच्छी बात नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता था कि नहीं, ठीक है आंद्रे, वाकई में मुझे नींद की जरूरत है। थोड़ी झपके ही ले लो। सच में रीस, कर्ट और मैं सबको संभाल लेंगे, ठीक है? हर बात का एक समय आता है और हर बात की एक वजह होती है। रोने का समय हंसने का समय, दुखी होने का समय और नृत्य का समय। हम विल का जीवन हमें देने के लिए आपका शुक्रिया करते हैं और हम मानते हैं कि यह शरीर जो हमारे सामने पड़ा है वो विल नहीं है, मगर वो एक घर था जिसमें वो रह रहा था। और हम जानते हैं कि विल अभी भी खुश है आपकी हाजिरी में और स्वर्ग से आशीष पाकर।
ताज्जुब हो रहा होगा कि तुम अभी तक जिंदा हो। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? एक वक्त पे एक ही सवाल। मुझे लगता है तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो विल स्कॉट। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम्हारे सब सवालों के जवाब वक्त आने पर मिल जाएंगे मिस्टर स्कॉट। आप मेरे आदेशों का पालन करते जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। क्या इंस्ट्रक्शंस? और तुम क्या बात कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहां से बाहर निकालो। शांत हो जाओ विल, अभी उत्तेजित होने का वक्त नहीं है। एक सामान्य आदमी एक मिनट में 0.5 लीटर ऑक्सीजन लेता है, ये तो तुमको पता ही होगा। तुम इस कॉफीन में 5 घंटे और पूरे 21 मिनट से हो, जिससे तुम्हारे लगभग ऑक्सीजन सांस भरने के लिए 9 मिनट बाकी है। तो मेरी राय है कि मैं जैसा कहूं वैसा करो, और उसके बाद हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, शायद आग के करीब। आप ध्यान से सुनो, तुम्हारे सर के ऊपर एक ट्रिगर है, उस हैंडल को घुमाओ। अब धक्का दो। तुमने मुझे जिंदा दफना दिया था, कितने कमीने हो। मैं जानना चाहता हूँ ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे वहाँ दफना दिया था। मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया? ठीक है, मुझे बताओ तुम कौन हो, और सबसे पहले ये बताओ कि कॉफिन में मुझे किसने डाला। तुम अपना मुद्दा भूल रहे हो और मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी सवाल है। सुनो, तुम मर चुके थे और मैं तुम्हें दूसरी जिंदगी दे रहा हूँ। मुझसे आकर मिलो और मैं सब कुछ समझा दूंगा। कहाँ? सड़क के उस पर एक ब्लैक कार पार्क की गई है, एक गली के अंदर। चाबी उसमें लगी हुई है। मैं चाहता हूँ तुम अभी निकलो। ब्लैक शेवी 007 EM77। ओके, मैं कार में हूँ। अब क्या? डैश पे GPS लगा हुआ है, उसे चालू करो और हमारे आदेश का पालन करो। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था विल। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, मैं उस कॉफिन से अभी जागा हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा हक है सब कुछ जानना, समझ गए? शांत हो जाओ विल। एक बार तुम मंजिल तक पहुँच जाओगे तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल जाए। तुम्हारे पास 32 मिनट है। हेलो, मेरी बात सुनो। क्या मुसीबत है? शिट! ड्राइविंग शुरू करें। दाएं घूमें।
दाएं मुड़ जाएं, दाएं रखिए, ने कहा था मैं सुरक्षित रहूंगा। कोई बॉडी बैग नहीं, मुझे जो करना है वही करूंगा। FBI, दरवाजा खोलो, दरवाजा उड़ा दो, उड़ाओ उड़ाओ, रुको नहीं, हथियार नीचे रखो, हिलो मत, नहीं। इसमें जो निशानी और आकार बने वो मैंने पहले कभी नहीं देखे। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ ताकि इस पे मैं आगे काम कर सकूं? नहीं यार, इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। अफसरों ने आज FBI एजेंट की मौत की पुष्टि की है, एक खतरनाक गोदाम के धमाके से जो पूर्व लॉस एंजेलिस में हुआ है। तुमने मुझे जिंदा दफना दिया था। उन्होंने कहा वो कॉल करेंगे, वो उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? मैं जानती हूँ बेबी, मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा था कि वो कॉल करेंगे, ये सही नहीं है। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ, कुछ भी कहना नहीं, माँ तुम्हें दिला देगी। गाने वाला पंछी, और अगर वो पंछी ना गाए, माँ तुम्हें प्यार करके सुलाए, माँ तुम्हें प्यार करके सुलाए, बहुत प्यार करती है माँ।
अच्छा हुआ तुम जाकर। संभाल के, तुम्हारी कलाई में काफी चोट लगी है। आखिर तुम हो कौन? मैं क्लेयर हूं। और मैं कहां हूं? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और मैं, वैसे मैंने ही तुम्हें टक्कर मारी। मैंने इंडिकेटर जलाई थी। मुझे माफ करना, मेरी गलती है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं ध्यान से नहीं चला रहा था। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा। मैंने जानबूझकर टक्कर मारी थी। अभी तुमने क्या कहा? वो एक्सीडेंट, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे करना पड़ा, तुम्हारी जिंदगी बचानी थी इसलिए किया। तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे नाम के अलावा बहुत कुछ जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कहाँ रहते हो, कौन सी कार चलाते हो, मैं जानती हूँ जीने के लिए तुम क्या करते हो। मैं ये भी जानती हूँ तुम्हें कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और मैं तुम्हें उनके हाथों में डालने का खतरा नहीं ले सकती थी। तो मेरी जान बचाने के लिए तुमने टक्कर मारी, इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। तुम पहले ही मर चुके थे, बस तुम्हें पता नहीं था। जिस जगह तुम ड्राइव करके जा रहे थे वो लोग तुम्हें मार देते। तुम और क्या जानती हो? मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारे कब्जे में कोई खास डॉक्यूमेंट है। देखो, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे किसी लिस्ट के बारे में नहीं पता। लिस्ट के बारे में बात की है? मैंने तो कहा डॉक्यूमेंट, मैंने तो लिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मुझे जाना होगा, प्लीज रुको। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए, संभल कर रहना। वेल, जब तक तुम मिल नहीं जाते वो रुकेंगे नहीं। मैं स्टीव के परिवार से मिलने गई थी। मैं समझता हूँ उसके लिए आसान नहीं होगा। सच कहूँ तो बहुत मुश्किल है। समझ सकता हूँ। वैसे वहां जाने के लिए शुक्रिया। एलेक्स की पत्नी आ चुकी है, चलो चलते हैं। नहीं, मैं खुद उसका इंटरव्यू लूंगा। हेलो मार्टा, मेरा नाम रॉबर्ट मार्टिन है। सबसे पहले तो मुझे अफसोस है। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, इसका आप कोई मतलब नहीं है। एलेक्स एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता। मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे शहर के गोदाम के बारे में बता सकती हो? वो वहां कब से काम कर रहा था और किसने रखा था? मैं नहीं जानती। मैं सच कहूं तो सबसे पहले मुझे गोदाम के बारे में तब पता चला जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था और आपने मुझे बताया कि मेरे पति ने। क्या तुम्हें लगता है कि वो वहाँ काम करता था? पसडेना में एक रिकवरी सेंटर में। हम हर गुरुवार को वहाँ साथ खाना खाते थे। मार्टा, तुम्हारा पति बहुत बुरे लोगों के लिए काम करता था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम उससे कुछ भी छुपाओगे तो मैं पता लगा लूंगा। ठीक है, एक काम करो, मेरा कार्ड लेके जाओ। मैं चाहता हूँ तुम आज रात को घर पे ठीक से सोचो।
कुछ भी हो जो तुम बताना भूल गई हो, ठीक है? मैं करूंगी, वादा करती हूँ। बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले को सुलझाने में मदद करो। वो लोग शायद तुम्हारे पति को धमकाते होंगे, मगर मैं चाहता हूं कि तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर झूठ बोलोगी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ। मुझे मेरे पति का मृत शरीर चाहिए ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? देखो, मुझे अफसोस है, यह मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं अलविदा भी नहीं कह सकती? क्या मैं उन्हें देख भी नहीं सकती? देखो, मुझे अफसोस है कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारे पति के शरीर पे काफी सारे टेस्ट हो रहे हैं, वो भी किसी और जगह पे। अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर इजाजत देता, मगर नहीं, मुझे माफ करना। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें इस हालत में देखो। हाँ, उनके कुछ फोटोज दिखा सकता हूँ। प्लीज, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज। थैंक यू रीस। ये कौन है? क्या मतलब? ये मेरे पति नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं। रुकिए। ये मेरे पति है, एलेक्स मेस। आखिर हमें इस बारे में अभी कैसे पता चला, बताओगे? माफ कीजिएगा सर, मगर गलत डीएनए रिपोर्ट निकालना आम बात है। बकवास बंद करो, मुझे पूरी जानकारी चाहिए उस रिपोर्ट में क्या गलती हुई है। सर, ऐसा लगता है किसी ने एलेक्स मेस की आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ की है। पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, सोशल सिक्योरिटी आईडी, यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैक किए गए थे। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वही रखी गई थी, जैसे नाम और काम। सिर्फ एक ही चीज बदली थी, वो थी तस्वीरें। एलेक्स मैक्स की हमारे पास एक ही असली तस्वीर है, उसकी शादी की। हाँ, और मैंने बॉस्टन कॉलेज में भी संपर्क किया था ये जानने के लिए कि उनके पास कोई पुरानी तस्वीर है या नहीं, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। हमारी फॉरेंसिक टीम दूसरा डीएनए टेस्ट कर रही है, आज रात से पहले उसका जवाब आ जाएगा। बढ़िया, वैसे ध्यान रहे इस बार रिपोर्ट सही हो। और अगर ये एलेक्स नहीं है तो फिर कौन है? जरा सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुसीबत में हो, ऐसा कह सकते हो। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे घाव है, सबसे पहली बात, और तुम्हारी कलाई पे पट्टी बंधी हुई है। मैं तुम्हें ये जैकेट दे सकता हूँ, ये बहुत महंगा है, मुझे सिर्फ $1 चाहिए। ये मेरा स्टाइल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम ये जैकेट देके मुझे खरीद लोगे?
तुम जैसे अमीर लोगों को लगता है कि हम गरीब हैं इसलिए बिकाऊ हैं? ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ एक डॉलर चाहिए। मुझे पता है एक डॉलर की जरूरत क्या होती है। ए, मैंने बात पूरी नहीं की। ले रख ले। ये मैं लौटा दूंगा और थोड़ा ज्यादा दूंगा। नहीं, बस मुझे मेरा डॉलर वापस कर देना। मैं कोई बैंक नहीं हूं और मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लगाता, याद रखना। मैंने दिया है क्योंकि मैं एक डॉलर की जरूरत जानता हूं। मैं जानता हूं सब कुछ गंवा देना क्या होता है। हेलो हेलो, ये क्या मजाक है? कौन बोल रहा है? कर्ट, मैं बोल रहा हूं। क्या बकवास है विल? सुनो, क्या तुमने ऐना को देखा है? क्या वो ठीक है? हाँ, कल तुम्हारे फ्यूनरल पे देखा था। शिट, क्या वो उदास थी? ये किस तरह का सवाल है? बेशक वो उदास थी, उसे लगता है तुम मर चुके हो, सबको लगता है। मैं अभी कुछ नहीं समझा सकता। सुनो, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ऐना नहीं। क्या बकवास है? कर्ट, हाँ, मैं तुमसे जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। किस किस को पता है कि तुम जिंदा हो? सिर्फ तुम्हें। ठीक है, हम इसे सीक्रेट रखेंगे। मैं आता हूँ, मिलकर बात करते हैं। मैं डाउनटाउन में हूँ, सेंटर फे के सातवें रास्ते कॉर्नर पे। ठीक है, वहाँ पर एक पार्किंग गैराज है, पुराना सा। तुम जहाँ उससे दो ब्लॉक दूर, बस सातवें ओवे संघ के दक्षिण में। मैं तुम्हें 30 मिनट में मिलता हूँ। मुझे एक घंटा दो, मुझे जरूरी काम है। ठीक है, संभल कर रहना और किसी से भी बात मत करना। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? ठीक है, एक अच्छी खबर एक बुरी। डेंटल एनालिसिस और डीएनए रिपोर्ट्स के बगैर ही वापस आए हैं। वो आदमी डेटाबेस में से किसी से मेल नहीं खाता है, इसलिए कोई कामयाबी नहीं मिली। और अच्छी खबर, हमने उसका पूरा बॉडी एक्सरे करवाया और पता चला है कि उसने बाएं कंधे पर ऊपर की तरफ नकली हड्डी लगवाई थी। हमारे एनालिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस इंसान की ऑर्थोपेडिक सर्जरी 3 साल पहले की गई थी। हमने जांच की, हमें पता चला कि हड्डी में कुछ खास निशान। जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ था उस जगह का पता मिला, जो है हेमन ऑर्थोपेडिक सेंटर। उन्होंने संपर्क पहले ही कर दिया था और जिस वक्त हमारा सस्पेक्ट वहाँ सर्जरी कराने गया था, उस वक्त वहाँ पर 2 सर्जन काम कर रहे थे। उनमें से एक है एंडी वर्मसर और दूसरे रोरी कॉटन। हमने उनसे बात कर ली है और उनसे सीरियल नंबर मैच करने को कहा है जो हमारे रिकॉर्ड में है। वो लोग आज रात तक हमें जवाब दे सकते हैं। बढ़िया, शुरुआत अच्छी है। देखते हैं हम इसके बनाने वाले तक पहुँच पाते हैं या नहीं। ठीक है गाइस। यस सर। कर्ट, मुझे लगता है कि हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। हम गलत जगह तलाश कर रहे हैं। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? हमें असली एलेक्स को ढूंढना चाहिए बजाय किसी मुर्दा इंसान को जो हमें जानकारी भी नहीं दे सकता है।
ठीक है कार्ट, तुम इसकी जांच कर सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ कि बाकी सब एजेंट भी अपना काम अच्छे से पूरा करें। ओके गाइस, चलो अब हम लोग चलते हैं। कर्ट, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मुझे कहीं जाना है। मैंने तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाया है। मुझे नहीं खाना है। तुम्हें खाना पड़ेगा बेबी। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है मॉम। ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले तुम्हें कुछ चाहिए क्या? स्वीट हार्ट, डैडी बोल रहा हूँ। कल के सीक्रेट के बारे में सुनो, ध्यान से सुनो। हमें वो कैंसिल करना होगा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आई लव यू प्रिंसेस, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके प्रिंसेस, बाय। वो एक बहादुर आदमी था, उनकी याद आएगी। रीस, जो भी इसका जिम्मेदार है हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। हम उसे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तुम्हारी तरह वो भी मेरे भाई जैसे थे।
हाँ भाई जैसा। डैडी बोल रहा हूँ, कल के सीक्रेट के बारे में सुनो, ध्यान से सुनो, हमें वो कैंसिल करना होगा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आई लव यू प्रिंसेस, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हे स्वीट हार्ट, डैडी बोल रहा हूँ, कल के सीक्रेट के बारे में सुनो, ध्यान से सुनो, हमें वो कैंसिल करना होगा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आई लव यू प्रिंसेस, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मुझे माफ कर दो एना। बाय। आपने कहा उन्होंने कॉल नहीं किया। हे स्वीट हार्ट, डैडी बोल रहा हूँ, कल के सीक्रेट के बारे में सुनो, ध्यान से सुनो, हमें वो कैंसिल करना होगा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया हूँ। विल, यार तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आखिर चल क्या रहा है? बहुत लंबी कहानी है और इसकी वजह वो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट? वही गोदाम वाला हिट लिस्ट है वो कर्ट। मैंने उसकी फोटो ली थी जब किसी का ध्यान नहीं था, मैंने पहला नाम रिकॉर्ड कर दिया, मुझे निकाल दिया गया। जरा रुको, तुम्हें लगता है तुम्हारे कोई पीछे पड़ा है? दिन के अंदर था, मुर्दे की तरह, एक मुर्दे की तरह। हमें कॉल करना होगा तुम्हारे डायरेक्टर को और बताना होगा। नहीं नहीं, ये बात मुझसे और तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है, समझ गए? सबसे पहले हमें ये काम करना है कि ये जांच जारी रखते हैं और तुम्हें सुरक्षित रखना है। और किसे पता है? और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम। वैसे तुमने मुझसे मिलने से पहले एक घंटा क्यों मांगा था? मैं अपनी बेटी को देखने गया था। क्या तुमने उससे बात की? और क्या कहता? कि मैं मर के वापस आया हूँ? यार वो बहुत दुखी है, पता लगाओ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? तुम बस शांत रहो, हमें धीरज रखना होगा और कुछ भी करने से पहले कुछ सोचना होगा, समझ गए ना? नहीं, मुझे नहीं लगता ये वक्त शांति से बैठने का नहीं है। हमें इस पे और भी कुछ लोग हैं जो इस हिट लिस्ट में हैं। जो लोग इस हिट लिस्ट में हैं वो नहीं जानते उनके साथ क्या होने वाला। मैं तो बस मदद करना चाहता हूं। पता है, तुमने कहा कि ये हिट लिस्ट है, तो दूसरा हिट लिस्ट में कौन है? देखो, हर एक लाइन में एक अलग पहेली है और हर लाइन के साथ मुझे नई शुरुआत करनी होगी। सबसे पहला काम करना तुम्हारे डायरेक्टर से मिलना है मुझे। मैं वहां जाऊंगा, वो मुझे सुरक्षा देंगे, उस लिस्ट को समझ जाऊंगा। कर्ट, कर्ट, तुम मेरा साथ देना, ठीक है? तुम मुझे भरोसा रखो, मुझे ये काम करने के लिए उतनी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी और इसी तरह से मैं इस काम को कर सकता हूँ और आसपास सुरक्षा की जरूरत है। ये क्या चल रहा है? आई एम सॉरी विल। क्या तुम्हें अफसोस है? कर्ट, ये मैं हूं, ये क्या हो रहा है? मैं नहीं चाहता कि ये सब हो, ठीक है? कार में बैठो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कर्ट, किसी ने तुम्हारे परिवार को अगवा किया है? बताओ मुझे क्या हो रहा है, हम सब ठीक कर सकते हैं। प्लीज सब कुछ पहले से उलझाओ, उसे ज्यादा मत उलझाओ। जैसा मैंने कहा वैसा करो, कार में बैठो। मैंने कहा कार में बैठो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि वो लोग मुझे जिंदा चाहते हैं और तुम ये जानते हो।
मैं इसमें फंस गया हूँ, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, समझ गए? मुझे अपने परिवार की परवाह है। और मेरे परिवार का क्या? जब तक तुम मेरी बात मानोगे तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ठीक है? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, इसलिए हम दोनों को खत्म करेंगे, ठीक है? तुम और मैं, ओके? हम दोनों हेडक्वार्टर जाएंगे और उन्हें समझाएं कि सब गलत फहमी थी, ठीक है? तुम्हें भी सुरक्षा दी जाएगी, समझ गए? कुछ नहीं होने वाला। अपने हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हे, हाँ हाँ, वो मेरे साथ है, मैं जल्दी वहां आता हूं। समझ गया, पीछे मुड़ो। उस गार्ड को क्या हुआ जिसे मैं जानता था? पीछे मुड़ो। ये सब तुम कब से कर रहे हो? अपने हाथ पीछे करो। माफ करना विल। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं,
एस, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, रॉबर्ट हमें बुला रहा है, चलो। रीस, क्या कुछ हुआ है? अभी अभी मॉर्ग से लौटी हूँ। रॉबर्ट चाहता था कि मैं उसकी जांच टीम से बात करूं और ये जानने की कोशिश करूं कि उस अनजान सुसाइड विक्टिम के बारे में कोई खबर मिली या नहीं। मैंने देखा। क्या देखा? मैंने उसकी बची हुई लाश केस से देखी, उसमें जो भी बचा था। दुखी होकर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, मगर उससे निकलने का एक रास्ता है और मैं जानता हूं कि वो तुम्हें पता है। मैं 17 साल का था जब मेरे पिता को किसी ने मार दिया था। छाती में 2 वार किए थे। वो कई देर तक गली में उसी तरह पड़े रहे। मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना दर्द हुआ था। जिंदगी चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती। वो चलती है और हमें भी चलना होता है। हमें चलना होगा। मैं पुलिस एकेडमी में भर्ती हो गया, तालीम ली। मैंने कड़ी तालीम ली ताकि अपने डैड के हत्यारे को पकड़ सकूं, और मैंने पकड़ा भी। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा अलग तरीके से सोचो। मुझे देखो, दर्द का इस्तेमाल करो, अपने दर्द का इस्तेमाल करो। हे डेविड, बोलो। क्या हुआ? पीटरसन, तुम और नॉर्विले बॉस्टन गए थे ना, तो मैं इसका MIT से जुड़ने के बारे में और कोई जानकारी? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट इट्स अर्जेंट। फोरी रिपोर्ट 1 घंटे में मुझे टेबल पे चाहिए। क्या हुआ? वो कट ही है। क्या हुआ? तुम कह रहे हो हमने एक एजेंट गवा दिया? वो अले शहर में किसी सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया सर। तुमने कहा कि वो किसी सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था, कौन था वो? नहीं पता सर। कल के उसके बर्ताव से लगा था कि वो किसी से बहुत डरा हुआ था सर। ये बात उसके परिवार को बताने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। देखो, जितनी जल्दी हो सके मुझे पूरी ट्रैफिक की फुटेज चाहिए। यस सर। आई एम सॉरी सर।
इस एंगल से चेहरा नजर नहीं आता। कर्ट सस्पेक्ट की कार से खुद की कार का पीछा कर रहा था, बात समझ में नहीं आई। हाँ, और कार में कोई उंगलियों के निशान भी नहीं थे। कर्ट जिस गाड़ी को चला रहा था उसके मालिक से भी हमने बात की, उसने कहा कर्ट ने उसे बंदूक दिखाई थी। ओ, हम सब कर्ट को जानते थे, वो जिद्दी आदमी था, आसानी से हार नहीं मानता था। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या तुम 30 सेकंड पीछे चला सकते हो? रुको रुको, रुको। FBI एजेंट से जो भाग रहा था वो उसकी आखिरी घड़ियों में उसी के पास गया, ये अजीब सी बात है। अगर उसको खतरा था तो उसने बैकअप क्यों नहीं बुलाया? ये उसका पर्सनल मैटर हो सकता है, या फिर सड़क पर तेजी से भागने की जिद से जान ले ली। ये मुमकिन नहीं, देख के लगता है एक दूसरे को जानते हैं। ज़ूम करो। रीज, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुख। दुख? रुको एक सेकेंड, क्या ये क्रिप्टोग्राफर है विल? नहीं, ये नहीं हो सकता, वो आदमी 2 दिन पहले मर चुका, ये नामुमकिन है। देखो, शायद हमारे पास कोई सस्पेक्ट नहीं है, इसलिए मेरी राय है कि उसके परिवार से कुछ सवाल पूछे जाएं। मुझे माफ कीजिएगा, तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है? मुझे नहीं लगता। चलो काम शुरू करते हैं, चलो चलो रीस। हाँ, वो रिपेयर के लिए दिया है। नहीं, मुझे कल दोपहर तक मिल ही जाना चाहिए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। वो एक्सीडेंट, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे वो करना पड़ा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं जानती हूँ तुम कहाँ रहते हो, मैं जानती हूँ जीने के लिए तुम क्या करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे माफ कर देना, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया हूँ, बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। आई लव यू स्वीटहार्ट। बाय। आपने कहा उन्होंने कॉल नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ विल, किस किस को पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो? सिर्फ तुमसे। मार्टा, तुम्हारा पति बहुत बुरे लोगों के लिए काम करता था। ये मेरे पति नहीं है। नहीं, अगर ये एलेक्स मैस नहीं है तो आखिर है कौन? जो लोग इस लिस्ट में हैं वो जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। हमें हेडक्वार्टर जाना होगा और सब बताना होगा, ताकि मुझे सुरक्षा मिले और मैं ये काम आसानी से कर सकूं। कार में बैठो। तुम मुझे मार नहीं सकते। Thank you.
क्या तुम अच्छा गाना बजाने की कोशिश कर सकती हो स्वीटी? हमें हमारे आसपास खुशी भरा माहौल रखना चाहिए। मैं खोलती हूँ। आपको किससे मिलना है? मैम, मिसेस स्कॉट, हम ब्यूरो से आए हैं, हमें आपका थोड़ा वक्त चाहिए। विल स्कॉट आपके पति हैं? थे, वो मेरे पति थे। क्या उसने हाल ही में आपसे संपर्क करने की कोशिश की है? क्या कहा? विल मर चुका है, कुछ दिनों पहले ही उसकी मौत हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। जी मैम, हमें जो भी हुआ वो हमें पता है। पिछले कुछ दिनों में आपके साथ कुछ अजीब हुआ है? आपका कहने का मतलब क्या है? कोई ऐसा जिसे आप जानती ना हो, उसने आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो विल की मौत हो जाने के सिलसिले में? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। क्यों, क्या कुछ हुआ है? खैर, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैम, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये बात बहुत ही अहम है। अगर आपके पति के बारे में आपको कोई भी जानकारी मिलती है, खास करके उसके मरने से पहले वो कहाँ था और किन लोगों के साथ वक्त बिताता था, तो आप हमें तुरंत खबर कीजिएगा। विल और मेरा 4 महीने पहले तलाक हुआ था। मेरी उससे मुलाकात सिर्फ हमारी बेटी की कस्टडी के दौरान हुई थी। ओके, वैसे आपको कुछ भी अजीब लगे तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। रुकिए, मगर मैं आपको बताऊंगी कैसे, मेरे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। हमारे पास आपका है। अच्छा हुआ तुमने अपना इरादा बदल दिया। सच कहूं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए नहीं आया कि तुम पे भरोसा करता हूं, इसलिए आया हूं कि तुम्हारे अलावा कोई बचा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हो तुम? मुझे सब कुछ बताओ। खैर, मुझे सब कुछ पता तो नहीं, मगर जितना भी पता है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, मुझसे इस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा गया था। वो लोग कौन हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनके निशाने पे कौन है, उनका मकसद क्या है, और जो भी लोग उस डॉक्यूमेंट के लिस्ट में हैं, क्या वो लोग सच में इस योजना में फंसे हुए हैं या वो उनके शिकार हैं? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? मगर सबसे जरूरी यह है कि इन सब के पीछे कौन लोग हैं। ऐसा लग रहा तुम उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही हो, पर क्या इनके जवाब हैं तुम्हारे पास? मैं ढूंढ रही हूं। पहले जब मुझे लगा था कि मैं इस पहेली को सुलझाने के लिए करीब पहुंच गई हूं, तुम अचानक से आ गए और सारे सवाल उल्टे हो गए। तब से कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मुझे मदद करके खुशी होगी। तो तुमने मुझे कैसे ढूंढा?
मैं किसी का पीछा कर रही थी, इत्तेफाक से तुम वहां थे। कहां? फिलिप वॉशिंगटन, याद आया? मैं वहीं थी जब लगा कि तुम मर गए हो, तो मैंने ही पुलिस को फोन किया था। मैं मरा हुआ ही हूं, क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? कुछ खास नहीं, जब तक मैं वहां पहुंची थी वो लोग तुम्हारे शरीर को एक गाड़ी में रख रहे थे, और जब तक मैं उनकी लाइसेंस प्लेट देख पाती वो लोग जा चुके थे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई सुराग, कोई जानकारी, तुमने एक झलक भी नहीं देखी उनकी। तुमने लिस्ट को पहले कैसे देखा? मैंने नहीं देखा। फिर किसने देखा? मेरे डैडी ने। तुम उनसे जाकर मिलती क्यों नहीं? वो अब नहीं रहे विल, उनको मार डाला गया। आई एम सॉरी। वो इंसान जिसे मैं अच्छा दोस्त समझता था, वो गद्दार निकला। अब वो भी दफन हो चुका है। मैं अपने परिवार के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी एक्स वाइफ और मेरी बेटी समझते हैं मैं मर चुका हूं। हमारे पास लिस्ट भी नहीं है। बिना लिस्ट के हम ये नहीं जान सकते कि इन सबके पीछे कौन है, वो भी नहीं हमारे पास। मेरे पास एक कॉपी है। कर्ट सिर्फ हमारा साथी नहीं था, वो मेरा दोस्त था, और हां वो सबसे बढ़िया था। मैं जानता हूं तुम इस वक्त ऐसा सोचना भी नहीं चाहते, मगर तुम्हारे परिवार की देखभाल की जाएगी। दरअसल बहुत सारे पैसे उसके लिए रखे गए हैं, तो सुनो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो प्लीज मुझे कॉल करने में संकोच मत करना। थैंक यू। है चैम, क्या नाम है तुम्हारा? टॉमी। टॉमी, टॉमी तुम अपनी माँ का ख्याल रखोगे ना? गुड बाय। बाद में मिलते हैं। या हमें बात करनी होगी, ठीक है? ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो भी अंदर चले। क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हें पता है कि क्या हुआ रीस? हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम यहां हैं क्योंकि हमारे सुपीरियर्स ने हमें पूछताछ करने का आदेश दिया है। तुम इसे लीड कहती हो? मैं इस औरत से पूछताछ कैसे कर सकता हूं जो अभी तक शोक मना रही है? कैसे पूछूं कि उससे उसके मरे हुए पति के बारे में कुछ खबर मिली कि नहीं? मैं पूछती हूं, अब चलो। चलो चलो भी।
मिस स्कॉट, मैं एजेंट सॉडो हूँ, ये मेरे पार्टनर एजेंट ग्रीन है। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये सब क्या है? क्या मेरे घर को आपने FBI हेडक्वार्टर्स बना दिया है? क्या कहा? अभी कुछ मिनट पहले आपके दो एजेंट से मैंने बात की थी। एजेंट्स? हाँ, दो एजेंट्स बिल्कुल आपकी तरह, वो भी मुझसे कुछ सवाल पूछने आए थे। अब जब आप आ ही गए हैं तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ। मेरे एक्स हस्बैंड विल स्कॉट मर चुके हैं और मैं उम्मीद भी नहीं करती कि मैं दोबारा उन्हें फिर से देख पाऊंगी, सिवाय इसके कि FBI भूतों पर विश्वास रखती हूँ। तो ये है तुम्हारे पापा की कॉपी। मैं इसे कभी समझ नहीं पाई, मगर मैंने इसे हमेशा अपने पिता के डेथ सर्टिफिकेट की तरह देखा। खैर यकीन करो, ऐसी पहली सुझाना मेरा काम है, मगर मेरी करियर का ये आज तक का सबसे दिमाग खराब कर देने वाला काम है। इसमें क्या मुश्किल है? हा? ओके, इसे देखो। यहां हर अलग लाइन किसी का नाम और किसी की मौत की तारीख दर्शाता है, मगर हर लाइन को सुलझाने के लिए मुझे अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे हर बार नया तरीका ढूंढना होगा नाम के लिए, और मुझे ये यकीन नहीं है कि ये सब एक नाम है। बस इतना यकीन है कि ये सब तारीखें हैं और ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इनको समझने और सुलझाने के लिए कोई खास तरीका नहीं है। तो फिर तुमने पहले तीन नाम कैसे ढूंढे? देखो, हर लाइन के लिए मुझे दर्जनों इक्वेशन ट्राई करने पड़ेंगे, और ये सब कोड अलग तरीके से समझ पाया। माफ करना, मैं भी तुम्हें मदद करती अगर मेरा मैथ्स इतना अच्छा होता। तुम क्या काम करती हो? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं, जब भी मैं करना चाहूं। क्या बात है सर, क्या आपको यकीन है कि इस केस पर हमारे अलावा और कोई काम नहीं कर रहा? मुझे यकीन है। क्या CIO हो सकता है? CIO के पास और भी बहुत से काम है। NSA? सिर्फ हम लोग ही इस पे काम कर रहे हैं। तो फिर आप इस बात को कैसे समझा सकते हैं कि दो अनजान एजेंट्स हमसे पहले वहां पहुंच गए थे और उन्होंने भी वही सवाल पूछे जो हमने उनसे पूछे थे? बिल्कुल वही सर, उन्होंने पूछा कि उन्होंने विल स्कॉट को देखा या नहीं, उसकी याद दिलाने के बावजूद कि उनकी मौत हो चुकी है। वो कैसे दिखते थे? हमारा आधा स्टाफ वैसे ही दिखता है, सिर्फ एक ही बात अलग है कि उनमें से एक डिटेक्टिव के दाएं कंधे पर स्टार का टैटू बना हुआ है। तो हम अभी भी इन छोटी बातों पे गौर करेंगे और... या फिर सीधा उसे ढूंढेंगे जिसने ये लिस्ट बनाई है। मैं तो कहता हूँ उन्होंने हिम्मत दिखाई। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि विल स्कॉट को क्यों मारा। मेरा सोने का वक्त हो गया और मुझे लगता है तुम्हारा भी। अगर तुम चाहो तो यहाँ रात बिता सकते हो। तुम्हारा यह एहसान मुझ पर रहेगा, थैंक यू। कुछ काम बना तुम्हारा? कुछ खास नहीं, घूम फिर कर वहीं आ जाता हूँ पूरी रात से, और ये बहुत मुश्किल है। वैसे तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ। वैसे मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, बस इतने ही, मुझे लगता है बस इतने ही डैडी के कपड़े बचे हुए थे, मैंने ढूंढ निकाले। थैंक यू। हाँ, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके।
गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? क्या सब कुछ ठीक है बेबी? मुझे अकेले रहना है। तुम मुझसे हमेशा के लिए गुस्सा नहीं रह सकती हो। मॉम? हाँ बेटा। क्या आप मेरे पास सो सकती हैं सिर्फ आज रात के लिए? जरूर। तुम अकेली नहीं हो जिसे नहीं आने से तकलीफ हो रही है। मुझे भी नींद नहीं आती। डैडी के पेरेंट्स हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि तुम तो जानती हो कि वह बहुत बूढ़े हैं। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका शरीर कमजोर हो जाता है, और तुम ये भी जानती हो वो बहुत दूर ओक्लाहोमा में रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो इतने कमजोर हो गए हैं कि हमसे मिलने नहीं आ सकते। तो फिर हम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? ये अच्छा आइडिया है स्वीटी। तुम जाना चाहती हो? हाँ ठीक है, जाएंगे। जानता हूं तुम्हें इतनी रात को परेशान करने के लिए माफी। सुनो यहां कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं पूरा दोष तुम पे नहीं लगा रहा। जब भी तुम खबर देते हो किसकी जान जाती है, और ईश्वर जानता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो मेरे एजेंट साथ जिंदा होते। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम्हें पता चले कि यहां ब्यूरो में क्या हो रहा है। ठीक है, अब लोग सवाल करने लगे हैं और मैं भारी मुसीबत में पड़ सकता हूं। सेल जानना चाहता है कि कुछ है जो तुम उसे छुपा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सुनो, शांत हो जाओ। मैं बस जब से धमाका हुआ है तुम्हारे साथ बात करना मुश्किल हो गया है, और मुझे ये वक्त सही लगा तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, ठीक है। खैर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं कल वही जगह। ठीक है, गुड। तो फिर कल मिलते हैं।
डैडी, उस गोदाम की खबर के बाद मेरे 9 एजेंट्स मर चुके हैं। एक बुरा कारीगर अपने औजार को दोष देता है। वो खबर आपने दी थी, एक खतरा जो मैंने लिया था, और उस खतरे में उन एजेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। पता है, मैं खुद की नजरों में दोषी हो गया हूं। जैसे जैसे मैंने कुछ बुरा किया हो, जैसे ये सब मेरा ही दोष है। रॉबर्ट, हम हमेशा हमारे बुरे कामों का पछतावा नहीं करते, मगर कभी कभी हम बुरे लोगों के लिए किए गए अच्छे कामों का भी पछतावा करते हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बता नहीं रहे? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानना चाहता हूं। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे हमने साथ में कभी काम नहीं किया। मैं केस सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपको पता था उस गोदाम में क्या था? मैं इतना जानता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मगर क्या आपको पता था? रॉबर्ट, मुझे भी जवाब चाहिए जिस तरह तुम्हें चाहिए। क्या, 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 क्या कोई ऐसी जानकारी है जिसे केस सुलझाने में मदद मिले? तुम इसलिए मुझसे मिलना चाहते थे? माफ करना, बौखलाहट तुम पर शोभा नहीं देती। अपना पावर मत दिखाइए, मेरी सवाल का जवाब दीजिए। तुमने इस केस में पुरानी दोस्ती दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, ये मत भूलना। मैंने तुम्हें खबर दी थी क्योंकि मुझे भी जवाब चाहिए। इसीलिए बस अपना काम करो। अगर तुमने काम ढंग से किया तो हम दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। और क्या है वो? मन की शांति। आप फिल स्कॉट नाम के आदमी को जानते हैं? इसका क्या मतलब है कि आपको कोई मैच नहीं मिला? उस आदमी की हड्डी पर बने निशान आपके हॉस्पिटल से मेल खाते हैं। उस पेशेंट पर आपके डॉक्टर्स ने सर्जरी की थी, तो फाइल्स कहाँ पर हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमें मैच नहीं मिला। क्या कहा? हमें मैच मिल चुका है, ठीक है, मगर इशू ये नहीं है। किसी तरह वो फाइल गुम हो गई है और मैं नहीं जानता कैसे, और हमने हर जगह तलाश की है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है मैम। मैं एक सर्जन हूं, कोई रिकॉर्ड्स कीपर नहीं हूं। क्या इस आदमी की शक्ल आप पहचानते हैं? नीचे झुकिए, नीचे झुकिए। क्या ठीक है? हाँ ठीक है, नीचे रहिए, नीचे रहिए। ऐसी आवाज, नीचे झुको, नीचे झुको। कॉल 911। देखिए अब ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। गुड। प्लीज, डॉक्टर कहाँ है? कॉटी, क्या आपने डॉक्टर को देखा? तुम वापस आ गए?
लगता है तुमने नए कपड़े पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। मुझे फिक्र हो रही थी, मुझे नहीं लगता तुम्हें शहर में इस तरह खुले में घूमना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कहाँ गए थे? थोड़ा बाहर गया था ताजी हवा के लिए, मेरी बेटी के स्कूल तक गया था। तुम्हारी बेटी भी है? बस ये देखने गया था कि वो ठीक तो है। जानते हो तुम उसकी जिंदगी भी खतरे में डाल दोगे, और तुम्हें कोई देख लेता तो क्या करते तुम? सर। और वो मेरे लिए सब कुछ है, और उसके बिना ये पूरी दुनिया बेकार है। वो मेरी छोटी परी है, वैसे तो बहुत बहादुर है लेकिन उसका दिल बहुत प्यारा है, मतलब मैंने किसी इंसान में पहले कभी नहीं देखा, और वही है जिसके लिए मैं सब कुछ चाहता हूं। क्या हुआ? वो हड्डी जो एलेक्स मैक्स के ऊपरी कंधे में लगाई गई थी, उसे कोई मदद नहीं मिली। हेमोन ऑर्थोपेडिक सेंटर से अभी जवाब आया है, हमने जो सीरियल नंबर्स उन्हें दिए थे उन्हें उनका कोई मैच नहीं मिला है। लगता है किसी ने इस बात का ख्याल रखा था कि हमारे ढूंढने से पहले एलेक्स की सर्जरी के रिकॉर्ड मिटा दिए जाए। मुझे सच में उम्मीद थी कि इस कड़ी से हमें ये केस सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। उसकी बजाय हमने आधा दर्जन एजेंट गवा दिए, और अब कर्ट भी। लेकिन वो अच्छा आदमी था। हाँ, मुझे उसका बर्ताव अलग लगा, अजीब सा, एक्सीडेंट से पहले। क्या मतलब? उसका ध्यान कहीं और था, वो किसी से बात नहीं करता था। उसका ये कहना था कि हमें असली एलेक्स मैक्स को ढूंढना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया। हाँ शायद। कर्ट चुपचाप रहने वाला नहीं था, कोई उसके पीछे था, कोई उसे डरा रहा था, और जितना जल्दी हम उस आदमी को पहचान ले जिसका वो पीछा कर रहा था, तो हम इस केस को उतनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे और झंझट से निकल जाएंगे। झंझट लगती है? तुम क्या कह रहे हो, कुछ पता भी है? नौ एजेंट्स मर चुके हैं एक अकेले केस पर, ये सबसे बड़ा नुकसान है इस ब्यूरो का। हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, हमें अब तक कामयाबी मिली ही नहीं है। जो भी इसके पीछे है वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं जानता हूँ ये, मैंने इस केस पर अपने करीबी दोस्त गंवाए हैं। तुम कभी मुझसे ये मत कहना कि ये मेरा दर्द समझ में नहीं आएगा। मैं तुमसे सहमत हूँ, प्लीज मैं तुम्हारे साथ। नहीं, तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए आसान है? रिस, वो मेरा भी करीबी दोस्त था, वो मेरे परिवार जैसा था, और तुम, मुझे तुम्हारी परवाह है रिस, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए, ये बोलना मत। हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तुमने रॉबर्ट को देखा? आज सुबह तो यही था, उसके बाद नहीं दिखा। ये टूट गया है। घंटों से इस पर काम कर रहे हैं, चलो खाना खा लेते हैं। वक्त नहीं स्कारलेट, मुझे बस थोड़ा कुछ भी दे दो। तुम्हें खाना चाहिए? मुझे पहले ये कोर्ट सुलझाने की जरूरत है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूं। मेरी समझ में नहीं आता, यूनाइटेड स्टेट में 2 मिलियन से भी ज्यादा स्कारलेट्स के नाम है लेकिन उनके सरनेम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अगले नाम के बारे में क्यों नहीं ये सोचते, तुम थोड़ा आगे की सोचो। क्योंकि ये भी एक इंसान है क्लियर, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, ये अगला शिकार है। लिस्ट में कुल कितने नाम है? वैसे हर एक लाइन एक व्यक्ति का संकेत है, तो 26।
जिसमें से 4 कब के मर चुके हैं। मगर इस लिस्ट में ज्यादातर लैटिन, बर्बर, फरोनिक, पुरानी अरेबिक और कुछ चाइनीज सिंबल हैं। रुको, यहां ये सिंबल्स, ये तो मयान या जकाल तक लग रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? कुछ सालों पहले मैंने मयान आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी। तुम इसका हिसाब कैसे लगाते हो? क्या मतलब है? इन सब नंबर्स को अलग कैसे करते हो? क्या ये लिस्ट, ये तो फ्लैट है, ये लिस्ट तो फ्लैट है। क्या मतलब है तुम्हारा? जगल तक भाषा में तुम्हें अलग गणित की रीत अपनानी पड़ती है जब तुम फ्लैट ऑब्जेक्ट्स को गिनने लगते हो, उससे अलग जब तुम गोल या दूसरे ऑब्जेक्ट्स की गिनती करते हो, जैसे कि लोग। क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट। ओके। डब्ल्यू टी, तुम तो जीनियस हो। वॉटकिंस, स्कारलेट वॉटकिंस, मिल गया। ओके, तो स्कारलेट वॉटकिंस तुम रहती कहां हो? इसका खुद का लॉ फॉर्म है नॉर्थ हॉलीवुड में। चलो चलें। अच्छी शुरुआत है। क्या तुम बीच में किसी और जगह रुक सकती हो? कहां? मुझे लगा छोड़ दिया। छोड़ दी थी, फिर से शुरू नहीं कर रहा, बस एक ही। सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं नर्वस थी या शायद गुस्से में थी। हाँ, ओके। तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। क्या बात है? पता है, मैं उस दिन ऑर्थोपेडिक सेंटर गई थी। और तुमने कहा था कि कोई मदद नहीं मिली। हाँ या ना? जरा विस्तार से समझाओगी? वादा करो ये बात हमारे बीच में रहेगी। पता नहीं मैं और किस पर भरोसा कर सकती हूँ। तुम जानते हो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। पहुंच गए। ठीक है, एक बार हमारे हाथ उसका सेल फोन लग गया, फिर हमें सब मिल जाएगा। ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, सोशल मीडिया। मुझे मेरे टेबल पे सब कुछ 2 घंटे में चाहिए। अगर आप मेरे लिए इतना करते हैं तो काफी है। कोई नई खबर? हमने हर मुमकिन कोशिश की ये पता लगाने की कि विल गुम होने से पहले कहां गया था, खासकर उसके दोस्त और परिवार से। और कुछ भी पता नहीं चला। हम उसके पुराने घर गए थे, हमें उसके एक्स वाइफ से पता चला कि वो कुछ महीने पहले वहाँ से चला गया, और उसके पास नया एड्रेस नहीं था, इसलिए हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई।
और हमने लॉस एंजलिस के 2 दर्जन रियल एस्टेट एजेंसीज का डेटाबेस चेक किया ताकि हम विल स्कॉट के किराए का अग्रीमेंट ढूंढ सके, और हमें एड्रेस मिल चुका है। ठीक है, क्या तुम लोग उस जगह गए थे? नहीं अभी। ठीक है तो चलो चले, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अभी जाओ, जल्दी इसी वक्त। एक काम करोगे, इस जगह को पूरा छान मारो। यस सर। मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम से मैंने उनको देखा। सुनो एना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल है और मेरे लिए भी मुश्किल है, मगर जितना जल्दी तुम इस सच्चाई को अपना लोगी उतना जल्दी तुम्हारा दुख कम होगा। पर मैंने उनको देखा। एना सुनो, कभी कभी हमारा दिमाग हमें धोखे में डाल देता है, खासकर जब हम दुखी होते हैं। दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक दिन मुस्कुरा सके और खुश रह सके जब हम तुम्हारे डैड के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करें। बस इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा बीबी। कितना वक्त? ये तुम पर निर्भर है, मगर एक दूसरे से बात करके दुख कम होगा। हाँ, मैं दुख भरी बातें करना ही नहीं चाहती। ठीक है, हम अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे को बताते हैं कि हम डैड के बारे में ज्यादा क्या मिस करते हैं। ठीक है, मगर सिर्फ अच्छी बातें। पहले मैं। मैं उनकी हंसी मिस करती हूं। तुम्हारी बारी। मैं मिस करती हूं वो जिस तरह आंखें बना के मुझे दिखाते थे ऐसे। वो सच में बढ़िया शक्लें बनाते थे, और पेन केक्स भी। आपसे भी अच्छे। हे बदमाश। अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, कोई भी बात, चाहे वो पागलपन लगे। चाहे वो पागलपन लगे। तुम्हारी बेटी क्यूट है। हाँ बिल्कुल। हमें इसकी क्या जरूरत है? अगर जरूरत पड़ी तो। ये कौन होगा? सुनो, इमरजेंसी डोर पीछे है, चलो निकलो। ये दरवाजा लॉक होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सब ठीक है। ये फोटो वहां फ्रिज पर लगी थी। जरा ये देखो, तुम्हें ये देखना चाहिए। हमें काम पे लगना चाहिए।
Thank you.